से धमकी भरा कॉल आने से हड़कंप मच गया। फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल कॉल करने वाले ने खुद को पंजाब के बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है, साथ ही 20 लाख रुपए में हत्या की सुपारी मिलने की बात कही है। बता दें कि व्यापारी के बेटे को धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार दहशत में है। व्यापारी का बेटा शहर छोड़कर चला गया है। व्यापारी ने मामले की शिकायत कंपू थाने में की है और शुरुआती जांच में तमिलनाडु के नंबर से धमकी मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस की एक टीम मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था और एक बार फिर से ये नाम सामने आया है। और संवाददाता उमेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसका नाम सिद्धे मूसेवाला मर्डर केस में सामने आया था और एक बार फिर से ग्वालियर से नाम जुड़ा है। जी देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो बिश्नोई गैंग है उसका आतंक पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में है, अब उसका नाम मध्य प्रदेश में भी जुड़ गया और ग्वालियर में एक धमकी भरा फोन व्यापारी के बेटे को आया है और उसमें साफ तौर पर कहा कि आपकी 20 लाख रुपए की सुपारी दी है और दो दिन में आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की रिकॉर्डिंग व्यापारी के जो बेटे हैं उसने अपने पिताजी को बताई और पूरा जो परिवार है वो दहशत में है, डर का माहौल है और आनंद फानन में जो बेटे के पिता हैं वो कंपू थाने पहुंचे और उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और उसके बाद जो अज्ञात जो कॉल आया था, जिस नंबर से आया था, उसको ट्रेस किया गया और वो कर्नाटक का ये नंबर बताया गया है और एक टीम इसके लिए तैयार की गई है और जल्दी मामला दर्ज कर इस पूरी टीम को कर्नाटक भेजा जाएगा और ये जानकारी जुटाई जाएगी किस नंबर से फ़ोन आया है और जो व्यक्ति फ़ोन करने वाला है कि वास्तव में ही शूटर है कि या किसी अन्य इसके रिश्तेदार या किसी व्यक्ति ने फोन किया है। लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि हमारी किसी से कोई भी रंजिश नहीं है और हमारा सीमेंट का व्यापार है और हम आराम से जो व्यापार है वो करते हैं, लेकिन आज तक कभी कैसी ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन अब पूरे जो परिवार है उसमें दहशत का माहौल है, जो बेटा है उसने अपने रिश्तेदारों को अन्य राज्य में पहुंचा दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो बिश्नोई गैंग का जो खासियत है, वो जब मर्डर करते हैं उससे दो दिन पहले जिसकी सुपारी लेते हैं उसको फोन जरूर करते हैं और बताते हैं कि दो दिन में आपका मर्डर, आपकी सुपारी ली गई है और दो दिन में आपका मर्डर कर देंगे। इसलिए पूरे जो परिवार है और पुलिस में भी अभी जो पुलिस का भी कहना है कि साफ तौर पर अभी जो परिवार है पूरा डरा हुआ है और जल्द ही जो नंबर जहां से कॉल किया गया उसको ट्रेस कर लिया गया है और जल्दी एक टीम रवाना कर्नाटक के लिए की जाएगी। अभी व्यापारी अभी हाल ही में थाने में है और जो पूरा जो माहौल है वो डरा हुआ, अभी पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो डरे हुए अभी थाने में ही हैं और जो उसका बेटा है वो उसके परिवार के दूसरे जो सदस्य अन्य राज्यों में रहते हैं वहां भेज दिया। तो कुल मिलाकर अब जो बिश्नोई जो गैंग का जो डर है वो अब ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब ग्वालियर में भी ये नाम गूंजा है, लेकिन अब जांच में चूंकि पुलिस जुटी है उमेश, और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर ये उसी गैंग से फोन आया है या फिर किसने इस तरह की हरकत की। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 20 लाख रुपए में सुपारी मिलने की बात कही है और इस फोन कॉल के बाद से परिवार दहशत में है।